Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you in today's session. In the previous session, we were discussing about types of chemical reaction and what is a chemical reaction. We have discussed about that is combination reaction, decomposition reaction, and displacement, double displacement reaction. Now we will carry forward our topic, that is oxidation and reduction reaction. Now, first is oxidation reduction reaction. First, we will do what is oxidation reaction. As the word suggests, this is oxy. Oxy means oxygen. Means wherever you are adding oxygen is known as oxidation reaction. So, whenever you add oxygen to a reaction, it means you are removing hydrogen side by side. Might be. It's not necessary that in every reaction, that hydrogen is removed out. But if it is going on, that means either in a reaction oxygen is adding on or removal of hydrogen takes place. So oxidation reaction means whenever a process that involves addition of oxygen or removal of hydrogen is termed as oxidation. Now, a substance which gives oxygen, say, which gives oxygen और गेन्स हाइड्रोजन, या तो कोई ऑक्सीजन दे रहे हैं या हाइड्रोजन गेन कर रहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सी द डिफरेंस दैट इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जहाँ पे आप ऑक्सीजन दे रहे हैं बट कोई ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा होगा. सो जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, या फिर जिसने हाइड्रोजन का गेन किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ एंड यू गिव इट टू योर लाइक योर यंगर ब्रदर, ओके, सो व्हेन यू आर गिविंग 100 रुपीज़ टू योर यंगर ब्रदर, यू आर गिविंग, सो दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आप दे रहे हैं 100 रुपीज़, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, एंड जिसके पास गए हैं वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कि वहाँ पे कुछ ऐड ऑन हुआ है. ओके, नाउ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, वही हुआ ना कि आपके पास कमी होगी उस चीज़ की, तभी तो आपके पास रिड्यूस वर्ड आया. तो दैट मीन्स आपने 100 रुपीज़ दिए थे, जब आपने 100 रुपीज़ दिए तो आपके पास कमी हुई, तो आप रिड्यूस्ड हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. See, any process that involves addition of oxygen or removal of hydrogen is termed as oxidation. A substance which gives oxygen or gains hydrogen during an oxidation process is said to be an oxidizing agent. Now, an oxidizing agent itself gets reduced during the process of oxidation. Now, see a reaction. You have copper in solid form plus oxygen, wait, it is a gas, and you will get copper oxide. Okay, copper is reddish brown in color and oxygen is gas, and you will get copper oxide which is a black. Now tell me, copper ne oxygen le ke hi to copper oxide form hua, copper ne oxygen li to copper kya ho gaya, copper oxide mein convert ho gaya, fine. सो कॉपर तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और हेल्प किसने करी, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई. सी द रिएक्शन हाउ इट विल टेक्स प्लेस. यू आर हैविंग अ कॉपर ओवर हेयर, फ्लेम लगाई आपने, हीट किया, एंड आपने यहाँ से एयर पास की, एयर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया. सो जब आपने ऑक्सीजन पास की तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये कॉपर जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का था कन्वर्ट होके कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा, और क्या बनेगा, वो ब्लैक कलर का बनेगा. सी इट इज फॉर्म्ड इन ब्लैक कलर, यू आर सप्लाइंग एयर, सो वो कॉपर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया. नाउ हेयर ऑक्सीजन, सी हेयर ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, सो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, और ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कॉपर. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कॉपर के पास गई तो कॉपर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. दैट्स व्हाई कॉपर इज एन ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आपको दी गई है ऑक्सीडेशन ऑफ एच टू एस, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपने क्या देखा, अब हमने ऑक्सीडेशन देख लिया कॉपर का, नाउ हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वेपर। बेसिकली हम हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, तो वो हमें क्या देगा, सल्फर, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर, सो वो डिस्प्लेस कर जाएगा सल्फर को। सी एच टू एस प्लस ब्रोमीन गिव्स यू एच बी आर प्लस सल्फर, फर्स्ट इट इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, अब देखिए एच टू एस में से सल्फर अकेला हो गया, सी सल्फर प्रोडक्ट साइड पर अकेला हो गया, दैट मीन्स एच टू एस में से सल्फर ने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और वो हाइड्रोजन किसने लिया, एच बी आर, बी आर ने ले लिया, सो दैट मीन्स जब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो भी वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, बट हाइड्रोजन का रिमूवल किसने की, किसने किया, दैट इज ब्रोमीन, सो दैट मीन्स ब्रोमीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधा रिएक्शन, ब्रोमीन सॉल्यूशन आपका रेड कलर का होता है बेसिकली, आपने इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डाला तो आपको क्या मिलेगा, सल्फर गैस इवॉल्व हो जाएगी आपकी एंड सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया है। सी आपको नीचे सल्फर दिख रहा है, सो हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम एच टू एस, सो एच टू एस सेड टू बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ एच टू एस से वो किसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फर में कन्वर्ट हुआ, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइज वन। नाउ ब्रोमीन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया, सो ब्रोमीन ने हेल्प किया हाइड्रोजन के रिमूवल में, सो ब्रोमीन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। नाउ वाइल फंक्शनिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एच बी आर, रिड्यूस्ड का मतलब क्या है कि उसने हाइड्रोजन ले लिया ना तो वो रिड्यूस्ड हो गया, कैसे अभी हम अभी रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ेंगे वो। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको बर्निंग ऑफ कार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, कार्बन बर्न्स, कार्बन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। सी यू विल ऑलवेज राइट इन दिस वे ओनली दैट कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन का एडअप हो गया, सो इट इज एन ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ना ऑक्सीजन किसने दी, ओ टू ने, सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड। नाउ जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हो और मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, मैंगनीज इज एम एन एंड ऑक्साइड इज एम एन ओ टू हो गया, नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एच सी एल, सो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप देखिए एच सी एल है प्लस एम एन ओ टू है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंडली आप हीट पास कर रहे हैं यहाँ से, तो अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है एम एन सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस सी एल टू गैस। नाउ सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किस में कन्वर्ट हुआ, सी एल टू में, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और क्या बना आपका, क्लोरीन बन गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन बन गया, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ओके नाउ साइड बाय साइड इस एम एन ओ टू ने क्या किया, सी एल टू एक ले लिया, एम एन सी एल टू बनाया प्लस वाटर बनाया। नाउ सम मोर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका या तो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा या इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, तो वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। नाउ सी द रिएक्शन इन विच अ केमिकल स्पीशीज लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। नाउ कैसे, अब हम देखते हैं कॉपर टू प्लस आयन है से कॉपर से कॉपर टू प्लस आयन फॉर्म हो रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है, एक्चुअल में कॉपर ये था आपका, कॉपर ने अपने पास से लूज करे दो इलेक्ट्रॉन, जब कॉपर ने अपने पास से लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज लेगा, लूज करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और लूज करने से क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा जहाँ पर भी ऑक्सीजन का एड ऑन या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या फिर
स्पीशीज अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्लीज स्टूडेंट, ये तीन टर्म्स आपस में हमेशा एक चीज़ के लिए याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का एडअप होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा। ओके, हाँ सी, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2+1 गया, क्यों? कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, एंड कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए तो हमने दे दिए तो हमने ये प्रोडक्ट साइड पे मेंशन किया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर पे कैसे चार्ज आया, 2+2+ क्यों आया, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फेरिक आयन फ्रॉम फेरस 2+। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ से Fe3+ फॉर्म हो रहा है। सी, Fe2+ से Fe3+ फॉर्म हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन। ना दो ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तब तो तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो Fe3+ हो गया। 3+ क्या इंडिकेट करके, आपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जब आपने एक तीन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज आया एंड इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर वे यू हैव टू राइट दिस इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है रिएक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो देने का मतलब क्या कि वो प्रोडक्ट साइड पे आ गया। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल डू रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग अप ऑफ ऑक्सीजन। ना रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, दैट इज कि आप या तो हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडअप या ऑक्सीजन का रिमूवल, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ना अब जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, मीन्स या तो किसी ने हाइड्रोजन दिया हो या ऑक्सीजन लिया हो, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, अपने आप को रिड्यूस कर रहा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट में अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। नाउ सी, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर, गिव्स यू कॉपर प्लस H2O। नाउ कॉपर ऑक्साइड CuO है, से क्या बना, कॉपर फॉर्म हो गया। ओके, नाउ जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हुआ, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। जब जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग रिएक्शन कहलाता है या रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। नाउ सी, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या बना, वो कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। नाउ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन गेन करके हाइड्रोजन क्या बना, वाटर वेपर के फॉर्म में आ गया, तो ये हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन का एडअप हो गया, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है दैट इज नोन एज योर रिडक्शन रिएक्शन। नाउ हाइड्रोजन से H2O बना, वाटर बना, सो इट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया है। सी, यू आर हैविंग अ कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, आपने हाइड्रोजन पास कराई, देन जब आपने हाइड्रोजन पास कराई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस पास होने से कॉपर फॉर्म हो गया एंड वाटर वेपर्स बन जाएंगे आपके। सी, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर बन गया आपका एंड वाटर वेपर्स बाहर निकल गए। नाउ सी, हेयर इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से निकला तो वो रिडक्शन हो गया। नाउ हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस इज रिमूव्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस ने रिमूव किया ऑक्सीजन, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, बट साइड बाय साइड हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नाउ सी, इन रिडक्शन रिएक्शन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट,
that there should be a gain of one or more electrons. Oxidation mein loss tha, reduction mein gain hai. The reaction in which a chemical species accept gain of one or more electron is called a reduction reaction. Now copper ne do electron gain kiye hain, to reactant side pe aaya, kya banaya? Copper banaya. This is an रिडक्शन रिएक्शन. क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया? क्लोराइड आयन बनाया. सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. नाउ आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ अब आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन की. सी क्यूप्रिक ऑक्साइड वही जो भी हमने पीछे पढ़ी थी, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बना तो वो रिडक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ. एंड हाइड्रोजन से वाटर बना तो वो आपका ऑक्सीडेशन है. कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके, हाइड्रोजन सल्फाइड को आपने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ. नाउ अब आपने क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, तो H2S इज योर हाइड्रोजन सल्फाइड. अब आपको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहा, अब क्या बन रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर. ना अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है और सल्फर अकेला रह गया. दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया. जब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो इट इज एन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और सल्फर रह गया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जब सल्फर बन रहा है दैट इज एन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन सॉरी. एंड क्लोरीन गैस से HCl बना तो दिस इज एन रिडक्शन रिएक्शन. क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड किया है तभी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है. नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल डू रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स, री मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. सो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ जैसे आपको कॉपर से कॉपर हो रहा था डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जब आप जिंक की रिएक्शन कराते दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ हाउ, जिंक से आपका जिंक सल्फेट बन गया क्योंकि कॉपर सल्फेट रिड्यूस होके कॉपर में आ गया. ओके, सो दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. क्यों? अब जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन का एडअप हो गया, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ना कॉपर सल्फेट से कॉपर कन्वर्ट हुआ, सो दिस इज एन रिडक्शन रिएक्शन कि वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. सी द एक्टिविटी, जिंक प्लस कॉपर, जिंक 2+ कॉपर लॉस हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो जिंक 2+ आया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ तो वहाँ पे कॉपर कन्वर्ट हो गया, सो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. सो ना आपके पास ये एक्टिविटी है, ये क्या दिखा रहा है आपको कि दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक स्ट्रिप है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड हो जाएगा आपका, और जिंक की स्ट्रिप पे डिजेनरेट होना स्टार्ट कर जाएगी और आपको रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट देगा. सी देखिए, दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ सम मोर एग्जांपल्स, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे ऑक्सीजन का O कैपिटल है बेटा कॉपर ऑक्साइड में, प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस H2O. सी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, सो इट इज एन रिडक्शन रिएक्शन, और H2 से H2O में बना सो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज MnO2 प्लस 4HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2. नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. बट HCl से Cl2 बना,
हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, या तो आप ऑक्सीजन का एडअप के व्यू से देख लीजिए या हाइड्रोजन के एडअप के व्यू से देखिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट इकट्ठे देखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे. सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, या तो ऑक्सीजन से देखिए या हाइड्रोजन से देखिए. नाउ MnO2 में हम क्या देख रहे हैं कि MnO2 में MnCl2 बन रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल होके Cl2 बना ना, O2 हट गया वहाँ से एंड Cl2 बना, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. बट HCl के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया. सो हाइड्रोजन जब रिमूव होता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है, सो हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ वॉट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, द केमिकल स्पीशीज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू सम अदर स्पीशीज इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये मैंने आपको बता दिया. अ रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, ये भी बता दिया. ये भी मैंने आपको बताया कि Fe2 से Fe3+ बना प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Fe2+ से Fe3+ बना ना आपका, तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. बट यहाँ पे एक्चुअल में Fe2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है. सेम 2i- आयोडाइड आयन है, वो i2 में बना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है, सो इट इज़ नोन एज रिड्यूस ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और टू आई इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ फॉर दिस यू हैव सम क्वेश्चंस ओवर हियर. दिस थ्री क्वेश्चंस यू विल डू व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो आपके पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वो किस चीज का होता है. नेक्स्ट, व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैश इज इवॉल्व. बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ क्या निकलती है. नेक्स्ट, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड. कि जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का चेंज हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट, उसे हम क्या बोलेंगे. दीज थ्री क्वेश्चन एंड नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है उसे क्या बोलते हैं. द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे क्या बोलेंगे. हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, आप जब पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर कोई हीट कर रहे हैं एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड की, वो एक गैस इवॉल्व करेगा. कौन सी गैस इवॉल्व करेगा. नाउ आपके पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स से आप अपने हिंट्स ले सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.